वीडियोस तो हम सभी बनाते हैं, कुछ अच्छी बनाते हैं, कुछ बुरी बनाते हैं और कुछ ऐसी बनाते हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में हम जहाँ जाते हैं वहाँ की मोमेंट्स को याद रखने के लिए हम वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, सो दैट वी कैन गेट लॉट ऑफ अटेंशन हमारे रिलेटिव से, हमारे डियर वंस से जो हमें जानते हैं उनसे, और मे भी ऐसे लोगों से जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन अगर यही वीडियोस को एडिट करके उनसे मोनेटाइजेशन किया जाए तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लान, राइट? तो बिगनर्स, ये वीडियो आपके लिए है जो बिगनर वीडियो एडिटर्स हैं और वो अपना करियर एज ए वीडियो एडिटर बनाना चाहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन कौन सा ऐसा वर्क है जो एक वीडियो एडिटर कर सकता है और अपनी वीडियोस को कैश कर सकता है, यानी कि मोनेटाइज कर सकता है। चलते हैं अपनी वीडियो की साइड। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो इसको एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपने वीडियो की साइड विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। नमस्कार, माय नेम इज हिना गर्ग, आई एम फाउंडर ऑफ खुशरंग हिना, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, वीडियो एडिटर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे वीडियो एडिटर्स के बारे में जिन्होंने अभी अभी वीडियो एडिटिंग करियर स्टार्ट किया है। हम उनको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने वीडियो एडिटिंग को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्लाइंटेल गेन कर सकते हैं और अपना वर्क शोकेस कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने पॉइंट से साइड फटाफट से चलते हैं और जॉट डाउन करते हैं किस तरीके से हम अपने वीडियोस को एडिट करके उनको मोनेटाइज कर सकते हैं और महीने के 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आराम से हम कमा सकते हैं ओनली बाय डूइंग वीडियो एडिटिंग, वर्किंग फ्रॉम होम और वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो गाइस, मनी मेकिंग एज अ वीडियो एडिटर एक बहुत अच्छा करियर है व्हेन इट कम्स टू वीडियो एडिटिंग, बट इट रिक्वायर्स राइट स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड डिटर्मिनेशन। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे जॉब्स जो शायद आपको कुछ लोगों को मालूम भी है लेकिन कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है। वो ऐसे जॉब्स या ऐसे करियर्स जिससे आप अपना वीडियो एडिटिंग करियर बना सकते हैं एंड महीने के कई लाख रुपए कमा सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है फ्रीलांसिंग, राइट? फ्रीलांसिंग, हम सबको पता है कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है। फ्रीलांसिंग होता है जब एक वीडियो एडिटर बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए एट वन टाइम काम कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट वन क्लाइंट कि आपने किसी को हायर कर लिया एज ए वीडियो एडिटर, नहीं, आप किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं बल्कि आप डिफरेंट डिफरेंट यानी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कीपिंग योर सेल्फ फ्री एंड फ्लेक्सीबल फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वर्क, राइट? तो इसको करने तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनपे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जैसे कि जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, आप अपने नेटवर्किंग के थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं, अगर आप जब गूगल करेंगे तो यू विल गेट मोर साइट्स जहां पे कि आप कर सकते होंगे, बट दीज आर द बेस्ट वेज जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते। सोशल मीडिया प्रेजेंस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क। सो अपने लिए सैंपल्स बनाइए, उनको शोकेस कीजिए उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सो दैट यू कैन फाइंड लॉट ऑफ क्लाइंट्स और उनको आप मोनेटाइज कर सके। अपने डिफरेंट डिफरेंट जो आपके स्किल्स हैं आपने यूज किए हैं, वीडियो एडिट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो आप एडिट्स करके उस पर डाल सकते हैं, प्लस जिसमें आप प्रो हो, जिन स्किल्स को आप करना चाहते हो, सिंपल वीडियोस टू प्रो वीडियोस, आप सब टाइप का वर्क अपना सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रीलांसिंग वर्क के लिए। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन डू इज थ्रू नेटवर्किंग एंड सोशल मीडिया, और उसी पे आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, उन्हीं क्लाइंट्स को आप इजिली इनकैश कर सकते हैं। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। जब आपके पास इतनी नॉलेज हो गई है, स्किल्स हैं आपके पास, आपने अपने आप को प्रो की ओर लेके गए हैं, नाउ यू कैन डू वन थिंग, आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट। माइंड माय वर्ड, कोचिंग से बेस्ट बिजनेस आजकल कुछ है भी नहीं। सो ऑनलाइन कोर्सेस क्रिएट कीजिए, ट्यूटोरियल्स बनाइए, जैसे कि मैं बनाती हूँ अपने ट्यूटोरियल्स। मैंने एक ट्रांजिशन दिखाई, उस ट्रांजिशन को किस तरीके से करना है वो सब दिखाते हैं। अपना कोर्स बनाइए, उसमें ट्यूटोरियल्स दिखाइए और वो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सेंड कर सकते हैं। यू कैन मार्केट देम और उनको बेच सकते हैं, जैसे कि आप टीचर्स पे बना सकते हैं, यूडेमी पे आप ऐसा कर सकते हैं, कोर्सेरा पे आप कर सकते हैं। ये सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज डाल के उनको मार्केट कर सकते हैं। आप फेसबुक एड्स चलाएंगे तो आपको उससे और क्लाइंट्स मिलेंगे और ऑडियंस आपको मिलेगी, ट्रैफिक आएगा आपकी साइट, तो लोगों को पता चलेगा आपको क्या क्या आता है एंड इतना वाइड मार्केट कवर कर रहे हैं। चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की साइड एंड दैट इज यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल थोड़ा सा स्लो है लेकिन अगर उसको राइट वे में यूज किया गया तो डेफिनेटली आप उससे काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्चेबल प्लेटफॉर्म और वहां पे मैक्सिमम लोग अपनी वीडियोस डालते हैं। पीपल आर गेनिंग नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब,
क्योंकि YouTube पे यू कैन अपलोड 10 मिनट्स 15 मिनट्स वीडियोज और उस पर पूरा पूरा कोर्स लोग अपना डाल रहे हैं. यू कैन ऑल्सो डू डैट, अपने कोर्स की थोड़ी थोड़ी हाईलाइट्स आप उसमें डालते रहिए सो डैट पीपल कैन लर्न. रिमेंबर वन थिंग, द मोर यू प्रोवाइड वैल्यू टू योर ऑडियंस द मोर ऑडियंस विल कम टू यू. तो दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म यू कैन यूज टू मार्केट योर सेल्फ, टू एनहांस योर स्किल्स, और लोगों को साथ में आप सिखा भी सकते हैं कि आपको क्या आता है और आपसे क्या वैल्यू वो प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके लिए चैनल will give you money, but remember there are terms and conditions apply as you need 1000 subscribers in 4000 hours watch time. So ye aapko pura karne ke liye at least 10 minutes ki video to aap banaiye so that people can gain more and more value from your video. Aur jab aapke paas ek potential subscriber base ho jayega to aap apne tab aap in videos ko monetize kar sakte hain, apne YouTube videos ko monetize kar sakte hain. You can earn lot of money apne video editing skills se. Number 4, वर्क फॉर वीडियो प्रोडक्शन कंपनीज. जो वीडियो प्रोडक्शन कंपनीज हैं आप उनके लिए वर्क कर सकते हैं एज अ जॉब, वो आपके एम्प्लॉयर बन सकते हैं. एनहांस योर स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए इनके साथ काम करने पर. इनको आप कैसे अप्रोच करेंगे ये मैं आपको बता दूं. शोकेस योर वर्क टू दीज प्रोडक्शन हाउसेस, उनको डीएम्स कर सकते हैं आप, अपना अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, उनको डीएम कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं अपने वर्क के बारे में एंड यू कैन वर्क फ्रॉम देम. इसके लिए आप दूसरी चीज और कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास की वीडियो प्रोडक्शन कंपनीज हैं छोटी ही सही, आप उनमें अपने वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड लुक फॉर जॉब देयर सो दैट यू कैन मोनेटाइज व्हाट स्किल्स यू हैव, राइट. नंबर 5, सोशल मीडिया मैनेजमेंट. SMM इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ दीज डेज, क्योंकि मैक्सिमम आई थिंक 80-90% पीपल आर ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, से आप इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं अपने आप को मोनिटाइज करने के लिए. आप अपने वर्क को शोकेस कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स पे टू इंडिविजुअल्स, टू बिजनेसेस. इनको दिखा सकते हो किस टाइप का आप टाइप की एडिटिंग आप कर सकते हो, उनके लिए आप किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हो. तो इस तरह का वर्क आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखाना है सो दैट यू कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ क्लाइंट बेस. एवरी बिजनेस इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया दीज डेज, तो आप इजीली मैक्सिमम रीच अपनी बना सकते हैं बाय यूजिंग राइट स्ट्रेटजी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स. डिसाइड योर नीच फर्स्ट एंड शोकेस योर वर्क एंड मोनिटाइज योर वीडियो एडिटिंग स्किल्स. नंबर 6, वेडिंग एंड इवेंट वीडियोस. अलग अलग वीडियोस पे, अलग अलग टाइप की वीडियोस पे हम जहां भी जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां की छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं, हम वेडिंग में जाते हैं तो वहां पे क्लिप्स बना लेते हैं. इसी तरह की आप वेडिंग से इवेंट की वीडियोस बना सकते हैं, किसी से कोलैबोरेट कर सकते हैं और कोलैबोरेट करने के बाद आप वर्क कर सकते हैं, उन लोगों के लिए अपने ऑफर्स उनको दे सकते हैं सो दैट यू कैन वर्क विद देम, गेन एक्सपीरियंस, एनहांस योर स्किल्स एंड मोनेटाइज योर वीडियो एडिटिंग स्किल्स. एक प्रोडक्शन हाउस, सपोज आप एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि आप एक एम्प्लॉय के लिए अभी वर्क कर रहे हैं और कल आप दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ जा रहे हैं अपनी बेटर सैलरी के लिए. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको बेस्ट वीडियोस अपनी परफॉर्म करनी पड़ेंगी, बेस्ट स्किल वर्क दिखाना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को और एनहांस करना पड़ेगा. यू हैव गेन ऑलरेडी एक्सपीरियंस तो यू नीड मोर एक्सपीरियंस, तो आप एक बिग प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हैं. इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना बहुत जरूरी है, इसीलिए जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, स्मॉल प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके लिए आप काम कर सकते हैं. अपनी वेडिंग या इवेंट वीडियोज आप बना के लोगों को शोकेस कर सकते हैं एज अ सैंपल सो दैट यू कैन क्लाइंट्स एंड यू कैन ऑलवेज मोनेटाइज योर वर्क, ऑलवेज मोनेटाइज योर स्किल्स, ऑलवेज मोनेटाइज योर डिटर्मिनेशन, राइट. नंबर 7, कॉर्पोरेट वीडियोस. बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस या कॉर्पोरेट्स होते हैं जिनको इंटरनल वीडियोस चाहिए होती है मार्केटिंग कराने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए. तो आप लोकल बिजनेसेस को रीच आउट कर सकते हैं, उनको अपना वर्क दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं आप कैसे उनके लिए बेनिफिशियल होंगे या आपकी वीडियोस किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल होंगी, ताकि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बना रहे और उनका B2B भी बहुत अच्छा चलता रहे. तो इस तरीके से आपको कॉर्पोरेट वीडियो एडिटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी. दैट मीन्स यू आर अगेन मोनेटाइजिंग योर वीडियो एडिटिंग स्किल्स, राइट. नाउ लेट्स गो टू द 8th पॉइंट, वीडियो एडिटिंग फॉर ई लर्निंग. इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हमारा ऑनलाइन बेस बढ़ रहा है एजुकेशन के लिए, उसी तरीके से बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ऑनलाइन यानी ई लर्निंग के लिए जाना चाहते हैं. दैट मीन्स कि उनको फुटेज चाहिए होती है. लाइक आई गिव एन एग्जांपल, कंसीडर कीजिए आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है और उसको ई लर्निंग कराई जा रही है. वो किस फ्रेम में कराई जाएगी, उसको पोएम्स दिखाई जाएंगी, इस तरीके से स्टोरीज दिखाई जाएंगी, या फिर कोई भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन उसको बताई जाएगी जो कि उसकी एज से रिलेटेड है, सपोज गुड टच एंड बैड टच. तो वो ई लर्निंग के थ्रू आजकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स इस तरीके से दिखाती हैं.
आप अपनी वीडियोस को इन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस और इन यूनिवर्सिटीज में दिखा सकते हैं. टेल देम कि यू कैन प्रोवाइड देम दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन प्रोवाइड देम दिस काइंड ऑफ एडिटिंग, सो दैट दे कैन प्रोवाइड टू देयर स्टूडेंट्स अ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन. एंड द मोमेंट नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन हैज गॉन टू द स्टूडेंट्स, योर पॉकेट विल बी फुल. आप एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल वीडियोस दिखा सकते हैं, बता सकते, अप्रोच कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनके स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, एंड मोनिटाइज योर वर्क. नंबर 9, स्टॉक फुटेज एंड टेम्पलेट्स. यस, हियर यू कैन मेक सैंपल्स ऑफ योर मोशन ग्राफिक्स. हियर व्हाट यू हैव टू डू इज अपने सैंपल्स बनाइए, जो भी आपने लर्न किए उनके सैंपल्स बनाइए, स्टॉक फुटेज लेके आइए और उनको सेल करना स्टार्ट किए. यू कैन सेल देम ऑनलाइन, अपने सोशल मीडिया पे भी आप उनको सेल कर सकते हैं. एंड पीपल आर ईगर टू बाय दीज टेम्पलेट्स बिकॉज एवरी टाइम एवरीबडी हैज नो टाइम और नो मनी टू गिव टू अदर पीपल और डेलीगेट देयर वर्क. देयर आर सो मेनी एंड देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो आपके इन स्टॉक फुटेजेस को भी ले सकती है, जैसे कि आपका पिंटरेस्ट हो गया, पिक्सअपे हो गया, एडोबी हो गया, इवेंटो हो गया, स्टॉक. सो यू कैन ऑलवेज ऑफर योर सर्विसेज टू देम बाय मेकिंग सैंपल्स फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स एंड मोनिटाइज योर वर्क. नंबर 10, वीडियो एडिटिंग कॉन्टेस्ट एंड अवार्ड्स. ये मैंने आज तक नहीं देखा, बट आई हैव लिसन्ड टू इट दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव सीन मेनी, यू नो, मेनी पीपल हु आर क्रिएटिंग और दे आर कंडक्टिंग वीडियो एडिटिंग कॉन्टेस्ट एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दोज कॉन्टेस्ट एंड विन अवार्ड्स, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ वर्क. बट दिस वे आपको ये पता चलेगा कि वॉट आर योर स्किल्स एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग. उसी तरीके से आप यहाँ से भी क्लाइंटेल ले सकते हैं. अगर आपकी वीडियोस अच्छी हुई तो आप यहाँ से क्लाइंटल गेन करेंगे, प्लस आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपने स्किल्स को फ्रॉम दीज अवार्ड फंक्शन, राइट. सो बिगिनर वीडियो एडिटर्स या बिगिनर्स, मार्क माय वर्ड्स, एनहांसिंग योर स्किल्स, डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी एंड पेशेंस, ये चारों चीजें हमेशा काम आएंगी आपको ग्रो करने के लिए. सो मेरी आगे की भी वीडियोस देखते रहिए एंड ये भी देखिएगा, मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में बताया किस तरीके से आप 4 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं एज अ वीडियो एडिटर, कौन से ऐसे उसमें पैतरे अपना सकते हैं ताकि आप 4 लाख रुपीज पर मंथ इजीली कमा सकें. वीडियो एडिटिंग अभी इंडिया में इज अ न्यू थिंग, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने आसपास के लोगों को एडिटिंग सिखाइए. जो लोग बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई में, अपनी बाकी चीज़ों में, एक बिजनेस बिल्ड करने में, दे कैन लर्न वीडियो एडिटिंग, एनहांस करते हैं अपनी स्किल्स को, अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस कर सकते हैं एंड अर्न कर सकते हैं एट एन अर्ली एज, लोगों के लिए काम करके. इवन यू कैन गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो, सिर्फ आपको इंडियन क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आराम से मिलेंगे. सो काम करते रहिए, पेशेंस रखिए, यू विल ग्रो वन डे. हैप्पी एडिटिंग.